हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान सिद्दीकी और आप सब कैसे हैं। आज यहाँ पुल के ऊपर आए हैं ब्लॉग बनाने और काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और आपको हम दिखाते हैं क्या लिखा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन गुजर रही है और ये निवारक नगर का इलाका है पूरा और ये अन्य नगर का इलाका है। ये अपना रेलवे ट्रैक है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरा इलाका साफ कर दिया गया है और यहाँ पे थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए आप, अभी पूरा सन्नाटा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी मैदान हो गया है। पहले कभी इधर बस्ती हुआ करती थी, आज इधर कोई बस्ती नहीं है। ये देख सकते हैं आप, और ये ब्रिज के ऊपर से नज़ारा है देखिए आप। आइए हम थोड़ा और आगे सबको समझाते हैं। ये दोनों पुरानी पटरी हैं, बहुत ही पुरानी पटरी हैं। एक लाइन इधर डलेगी और एक लाइन इस साइड डलेगी। जो आपको नाले टाइप का दिखाई दे रहा है ये पूरा खोदा गया है। जो पानी दिखाई दे रहा है ये गटर है जो लोगों के पहले बने थे और अब खुदाई में टूटे हैं, उसकी वजह से पूरा पानी भर गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिज के नीचे का एरिया है पूरा और ये पिलर वगैरह आ चुके हैं। इधर भी पिलर वगैरह आ चुके हैं, रखे जा चुके हैं और काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये देखिए आप, इसी तरह भोपाल में हर कहीं काम चल रहा है, छोले हो या लालघाटी हो, जहाँ भी रेलवे ट्रैक है निसार पूरा हर कहीं चल रहा है काम अभी। और कहीं भी काम चल रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिसका भी घर रेलवे ट्रैक के आसपास हो तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर नोटिस आई हो तो अपनी तैयारी से रहें, क्योंकि कभी भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अभी काम होना ही होना है इसका, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जो भाई रेलवे के आसपास रहते हैं वो अपना हिसाब किताब बना के रहें और जहाँ तक हो सके तो इसके ज़्यादा करीब कभी ना घर लें, ना कब्जा करें, ना किसी से ख़रीदें। इससे हम सबको सहूलियत होगी, रेलवे को भी सहूलियत होगी। और जो आप देखते हैं और आप लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अच्छा।